अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस अर्दिया टाउन के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान हालिया बारिशों की वजह से पूरा दब चुका था और काफी सारी ऐसी कब्रें थी जो टूट फूट का शिकार हो गई थी। ये कुछ कब्र आप देख रहे हैं, ये मेरे हक में भी एक कब्र है, ये भी कब्र है, लेकिन इन कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारी कब्रें ऐसी है जो टूट चुकी है बदतरीन। लेकिन यहाँ कुछ खुदा के मौजजे भी ऐसे है, कहते हैं कि अल्लाह ताला जब एक इंसान की तदफीन होती है तो अल्लाह से उसकी काफी सारे मामलात होते हैं। ऐसी एक शख्स यहाँ पे मैंने देखी, एक कब्र जो थी वो माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है। जब उनके घर वालों से मेरी बात हुई तो वो जो शख्स थे उनके इंतकाल को तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। ये उनके लवाइकिन भी यहाँ मौजूद है कब्रिस्तान में, 3 महीने से जायद इस कब्र को हो चुके हैं। 10 दिन कम है। कितने महीने हो गए थे भैया? 4 महीने में 10 दिन कम। 4 महीने में 10 दिन कम हो चुके थे इस कब्र को, और ये बारिशों की वजह से टूट गई थी। आपको मैं दिखाता चलूं कि ये कब्र के अंदर आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से कब्र के अंदर कफन जो है वो भी जरा सा मैला नहीं हुआ है, और माशाल्लाह से कब्र के पास से इतनी खुशबू आ रही है। ये अल्लाह की करामतें हैं कि 4 महीने का जो वक्त गुजरा है उसके बाद भी जो इंतकाल कर गए हैं उनकी कब्र पे जरा सा भी हल्का सा भी कोई इस तरह का निशान उनके कपड़ों तक भी नहीं है। और ये जो शख्स जिनकी मैंने आपको अभी कब्र बताई, ये माशाल्लाह से हाफिज़े कुरान थे, शुगर के मरीज थे, इनका इंतकाल हुआ था। तो ये बारिशों की वजह से जो तबाही हुई थी उनमें इनकी कब्र का जो था वो टूट गई थी पूरी कब्र। और मैं आपको दोबारा भी उसी जगह लेकर चलूं कि आप देख सकते हैं कि इनके जो लवाइकीन हैं वो इस टाइम कब्र की मरम्मत कर रहे हैं, और माशाल्लाह से ये इसके अंदर आपको मैं दिखाता चलूंगा। यहाँ से माशाल्लाह बड़ी खुशबू भी आ रही है कब्र के अंदर से, और ये मैं आपको दिखाता चलूं। ये देखिएगा माशाल्लाह से ये कफन जो है उस पर जरा सी मट्टी भी जिसको कहते हैं वो भी नहीं लगी है माशाल्लाह से। और मैं इतना करीब हूँ इससे भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस कब्र में से इतनी खुशबू आ रही है, वरना इंसान के जिस्म से ऐसी बदबू आती है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ से फूलों की खुशबू आ रही है। तो अल्लाह ताला इन मरहूम के साथ जितने भी यहाँ पे लोग दफन है, अल्लाह ताला उन सबकी भी मगफरत फरमाए, उन सबकी आखरत को बेहतर फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे हमारा खात्मा अता फरमाए। ये होते हैं माशाल्लाह हाफिज़े कुरान, अल्लाह की शान है ये, और ये अल्लाह की तरफ से एक इंसान के लिए मौजज़ा भी है। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि लोगों के लिए एक मैसेज है, जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये वो पूरा कब्रिस्तान है। शुक्रिया।